वेलकम डियर स्टूडेंट, टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव में सारे के सारे एक साथ डिस्कस कर दे रहा हूं आपको। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो के अंदर वेव ऑप्टिक्स के मिलने वाले। देखो पहला क्वेश्चन जो है, जब भी कोई लाइट ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम तक जाती है तो स्पीड डिक्रीज होती है, ये फिनोमेना किस कारण से होता है? तो बेटा जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहती है, है ना। फेज में चेंजेस आ सकते हैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के हिसाब से, एम्पलीट्यूड में बदलाव हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्पीड का चेंजेस आता है वो कंसर्न विद वेवलेंथ होता है। स्पीड का चेंजेस कंसर्न विद वेवलेंथ होता है। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 5000 एमस्ट्रॉन्ग है, वहां पर एयू नहीं है, एमस्ट्रॉन्ग है ना। आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, मैं बोर्ड पर चल के बताने वाला हूं, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसा है, लाइट फॉलोज द वेव नेचर बिकॉज वेव नेचर फॉलो करता है लाइट, तो किस प्रॉपर्टी से बताया जाता है? तो देखो वेव की प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रेक्शन होता है ना। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन वाली बात तो नहीं कर सकते हम, तो यहां पर इंटरफेरेंस फिनोमेना के कारण ऐसा हो रहा होता है। फोटोइलेक्ट्रिक क्वांटम नेचर से बताया जाता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन न्यूटन थ्योरी से भी बताया जाता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी से बताना पॉसिबल है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर चलकर डिस्कस करूंगा। आपको तीन रंग दे रखे हैं, ग्रीन दे रखा है, रेड दे रखा है और कौन सा दे रखा है, ब्लू दे रखा है। इन तीनों की फ्रिंज विड्थ का ऑर्डर हमको बताना है जो बोर्ड पे चल के हम देख पाएंगे। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन, पाथ डिफरेंस दे रखा है, फेज डिफरेंस बताना है, बोर्ड पे चल के डिस्कस करूंगा। कौन सा ऐसा है जो कोहेरेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेस? तो यहां पर लायर्ड मिरर्स कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, फ्रेसनेल बाइप्रिज्म कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रिज्म जो है वो कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी द प्रिज्म ओनली। सो आगे चल के बात करते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट ऑफ द बीम अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्लेक्शन होता है टकराना लौट के जाना, रिफ्रेक्शन होता है मीडियम का बदलना, इंटरफेरेंस पहले बता चुका हूं, तो बचा कौन सा, डिफ्रेक्शन फिनोमेना। आगे चल के देखिए, ये क्वेश्चन एक और बोला गया, आखिरी क्वेश्चन है सिंगल चॉइस का। 6000 एमस्ट्रॉन्ग एयू नहीं, यहां पर एमस्ट्रॉन्ग है। क्या बोला है, इन सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न, पैटर्न भी कौन सा है, सिंगल स्लिट है, डिफ्रेक्शन पैटर्न है। फर्स्ट मिनिमा इज ऑप्टेंड विद द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस वन, पहला मिनिमा ऑप्टेंड हो रहा है हमें रेड लाइट के साथ में, और वो कौन साइड होता है, किसके साथ में, फर्स्ट मैक्सिमा ऑफ अदर वेवलेंथ लैम्डा। कौन साइड होता है इसका मतलब क्या हुआ, कौन साइड होता है इसका मतलब सेम पोजिशन पे आया। तो हमें ये सारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल है बोर्ड पर डिस्कस करने, तो चले बोर्ड की तरफ और देखें। देखिए स्टूडेंट, यहां पर पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, सेकंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लाइट का वेवलेंथ दे रखा है 5000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब उसके बाद बोला है फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो ये सरफेस है, मान लो लाइट आई टकराई टकराकर लौट गई, तो आपको लौटने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं स्पीड अपॉन वेवलेंथ होता है। अब वो लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸, लैम्डा है 5000, मतलब 10�³, 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻¹। भाई जिसको नहीं पता सुन लेना, 1 एमस्ट्रॉन्ग होता है 10⁻¹⁰ मीटर। जैसे ये लिखा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, 3 / 5, 10⁸ / 3, मतलब 5, और 10 ऊपर चला गया, यह आ जाता है 0.6, 10⁵15 या 6 × 10⁴ हर्ट्स, ये हमारे पास में आंसर निकल कर आता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर। थर्ड नंबर तो हम स्क्रीन पे डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोला हुआ है, और इस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को कैरी कैसे किया गया है। ये देखिए, ये यहां से यहां तक S1 S2 ये स्लिट दे रखी है, पॉइंट P दे रखा है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, कैरी किया गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल D है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस स्मॉल D आपके पास एग्जिस्ट करता है। यहां फ्रिंज विड्थ बोली गई है, कलर बताए गए हैं, कलर बोला गया है ग्रीन, ठीक है। ग्रीन के साथ में कौन सा कलर बोला गया है, रेड, और रेड के साथ में कौन सा कलर बोला गया है, ब्लू, ये आपके साथ में कलर बताया गया। उसमें पूछ रहा है सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसकी बड़ी होगी, तो हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ होता है लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, तो फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जिसका सबसे ज्यादा लैम्डा बड़ा होगा उसका आंसर सबसे बड़ा होगा। अच्छा, लैम्डा के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको याद दिला देता हूं। हम विजिबल रीजन की जब बात करते हैं तो विबग्योर पैटर्न आता है, VIBGYOR, आर यहां पर रेड होता है, रेड कलर का वेवलेंथ होता है 7800 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहां पर ये वाई येलो होता है, ठीक है। उसके बाद में बी ब्लू होता है। अब हमारे पास में तीन कलर की बात कर रहे हैं, ग्रीन रेड और ब्लू, है ना। तो रेड ले लीजिए, ठीक है, रेड ले लिया, ब्लू ले लीजिए, ग्रीन ले लीजिए, चलिए येलो हटा देते हैं हम लोग। वायलेट कलर का वेवलेंथ 4000 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है।
येलो कलर का होता है 5500 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें एक बात नोटिस करना, टॉप टू बॉटम जब जा रहे हैं आप तो 4000 5500 7800, मतलब वायलेट से लेके रेड तक वेवलेंथ बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है रेड कलर की, उसके बाद कौन से कलर की, ग्रीन कलर की, उसके बाद कौन से कलर की, उसके बाद है ब्लू कलर की। तो सबसे बड़ी जो फ्रिंज विड्थ होगी वो रेड, उसके बाद किसकी होगी, ग्रीन, उसके बाद किसकी होगी, ब्लू की होगी। सो यहां पर चार ऑप्शन में से ऑप्शन करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर होता है, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में ऐसा बताया गया है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि आपको पाथ डिफरेंस दे रखा है किसी जगह का, कितना दे रखा है, 11 by 4 into lambda दे रखा है। आपको वहां का क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना बिटवीन टू पॉइंट्स। सो हम जानते हैं फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2π/λ into पाथ डिफरेंस। सो 2π/λ into पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस लिख देते हैं 11/4 into लेमडा, ठीक है। अब लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, अब ये आ गया आपके पास में 11π/2 आंसर। तो चेक कर सकते हैं 11π/2 बी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो हम बात कर रहे हैं ये है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो बेटा थोड़ा यह याद रखना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है उसमें दो कंडीशन याद रखने वाली है, एक मैक्सिमा वाली और एक मिनिमा वाली। अच्छा, जब भी पोजीशन ऑफ मैक्सिमा बोला जाए तो देखो बेटा, मैक्सिमा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमा की कंडीशन थी वो यहां मिनिमा की कंडीशन है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो मिनिमा की कंडीशन थी वो यहां पर मैक्सिमा की पोजीशन है। तो याद रखना लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये मैक्सिमा के लिए। अच्छा, वाईडीएससी में मिनिमा के लिए था, याद रखना किसके लिए था, मिनिमा के लिए। तो जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में मैक्सिमा की कंडीशन है वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिनिमा की कंडीशन है, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो मिनिमा की कंडीशन है वो यहां मैक्सिमा की कंडीशन है। तो यहां मिनिमा की कंडीशन कौन सी है, मिनिमा की कंडीशन है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। उन्होंने ऐसा कहा है क्वेश्चन में कि आपके पास में दो वेवलेंथ है लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 से हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस लैम्डा 1 का फर्स्ट, लैम्डा 1 का फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा किसका, लैम्डा 1 के लिए, किसके मैक्सिमा से, फर्स्ट मैक्सिमा से, फर्स्ट मैक्सिमा से, कहां से, लैम्डा 2 के, कॉन्साइड करता है मतलब सेम हो जाता है, कॉन्साइड करता है मतलब सेम हो जाता है। यहां दोनों में ध्यान रखना n की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 2 3, वहां पे भी ध्यान रखना n की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 1 2 3। अच्छा, मिनिमा की कंडीशन लिख देते हैं, ये रही मैक्सिमा की कंडीशन, ये मिनिमा की कंडीशन, n लैम्डा 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब 2n+1 लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल 2d। अब देखो यहां से डी से डी कैंसिल हो गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, है ना। अब फर्स्ट मिनिमा बोला है तो एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, फर्स्ट मिनिमा बोला मतलब एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, फर्स्ट मैक्सिमा बोला मतलब एन की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। सो मैं कह पाऊंगा एन लैम्डा 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2n+1 इंटू लैम्डा 2/2। सो एन लैम्डा 1, एन कितना है 1, इंटू लैम्डा 1 इक्वल टू 2 × 1+1 इंटू लैम्डा 2/2, ऐसा हम कह सकते हैं। तो लैम्डा 1 इक्वल टू आ गया 3 λ2/2। लैम्डा 1 गिवन है, लैम्डा 2 निकालना है, 2 λ1/3। लैम्डा 1 कितना है तो चेक करो, लैम्डा 1 है 6600 डिवाइड बाय 3 हमारे पास एग्जिस्ट करता है। अब ये देखो ये आंसर क्या आता है चारों सॉल्व करने पर। सो लैम्डा 2 की वैल्यू जो निकल कर आती है 2 × 2200 एंगस्ट्रॉम, और ये हो जाता है आपके पास में लैम्डा 2 4400 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से हमारे सारे के सारे 8 ऑब्जेक्टिव हम वर्कआउट करके कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम एस वी एस ए 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन और 4 मार्क क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव